बेटा का शादी होगा तो दहेज कौन लेगा, बहू कौन पसंद करेगा, हम ही ना करेंगे। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। देखिए इसमें किसी जात की बू नहीं आ रही है, इसमें जात की दुर्गंध नहीं है, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है, तो ये अच्छी बात है। इसको सबको सराहना चाहिए, हर पार्टी के लोग को सराहना चाहिए। बीजेपी के हैं हम, इसका सराहना करते हैं। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। चलिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों के चैनल को भी धन्यवाद। और अच्छी बात है, एक बाप के लिए इससे बड़ी अच्छी खुशी और क्या होती है। किसी का बेटा जब आगे बढ़ता है, किसी को नौकरी मिल जाती है, कोई पढ़ लिख कर आगे चला जाता है, तो बेटा आगे बढ़ता है तो बाप की खुशी होती है, हर बाप की खुशी होती है। एक ही परिवार में कई वो विचारधारा के लोग हैं, इससे क्या हर ये तो बहुत खुशी की बात है और अच्छी बात है। आपके अगर 5 लड़के हों, पांचों लड़का का एडमिशन आप एक विद्यालय में नहीं कराएंगे, किसी को इस्लामिया में कराइएगा, किसी के डीएवी में कराइएगा, किसी को कोटा पढ़ने के लिए भेज दीजिएगा, किसी को बेंगलोर पढ़ने के लिए भेज दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप पढ़ने भेजे हुए हैं, मकसद सबका एक ही है कि हमें शिक्षा ग्रहण करना है, पढ़ लिख कर नौकरी पाना है, हमें विद्वान बनना है, है ना, यही ना मैंने मकसद तो पढ़ाई का ही है ना। कि सब तो देखिए देखिए अरे बिल्कुल ऐसा देखिए ऐसी बात नहीं है। AIM जिनका ओवैसी का आप नाम ले रहे हैं, वो कोई वो अछूत तो है नहीं, उनके भी 4 या 5 विधायक बिहार से जीते थे, तो उनको जनता वोट दी थी, तो ऐसे उनको अछूत तरह से आप बात कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें अच्छा नहीं लग रहा। आप अपने पांडे भी क्या बिहार में यंग नहीं, देखिए हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि आपने कहा भाई आप एक घर में कितने बिचार, देखिए आप विचारधारा से कोई बात है नहीं, अपने अलग अलग लोग, जैसे मानिए हमारे 5-6 लड़के हैं, तो 6 लड़कों में किसी लड़का का मन है कि भाई राजनीति में है शक्ति, उनको राजनीति में शक्ति का मन लगता है, बड़े लड़का का बिजनेस में मन लगता है। विधायक जी का बड़ा लड़का तैयारी कर रहा सिविल सर्विस का, छोटा लड़का नीट का तैयारी कर रहा है, मेडिकल कर रहा है। तुना जी एक बात बताइए, अगर बाप बेटे का आमना सामना हो जाए फिर क्या होगा? देखिए ये जनता इसका निर्णय करेंगी ना, बाप बेटा क्या निर्णय करेगा, वो हमको पापा कहेंगे, हम उनको उसको बेटा कहेंगे। हमारा फर्ज बनता है कि अपने बेटा को हमेशा आशीर्वाद दें, और बेटा का फर्ज बनता है बाप को हमेशा प्रणाम करें। राजनीति की लड़ाई अलग हो गई, उनको भी जनता की सेवा करना है, हम लोग को भी जनता की सेवा करना है। जनता फैसला करेगी, बेटा का सेवा स्वीकार करती है, भाई का सेवा स्वीकार करती है, बाप का सेवा स्वीकार करती है। सबसे बड़ी बात रह गया ना, आप जो कहें चिराग जी का यंग का, देखिए हकीकत बात है, यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए। चिराग जी का एक नारा है, एक स्लोगन है, एक विचारधारा है, सो आप सुने होंगे, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। देखिए इसमें किसी जात की बू नहीं आ रही है, इसमें जात की दुर्गंध नहीं है, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है, तो ये अच्छी बात है। इसको सबको सराहना चाहिए, हर पार्टी के लोग को सराहना चाहिए। बीजेपी के हैं हम, इसका सराहना करते हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। अब बिहार खाली बस मजदूर सप्लायर बन कर रह जाए, ये कौन चाहेगा सो बताए, ये तो हम भी नहीं चाहेंगे, अभी नहीं चाहेंगे भाई, तो बिहार को फर्स्ट बनना पड़ेगा और बिहारी को भी फर्स्ट बनना चाहिए। ये स्लोगन है चिराग पासवान जी का। शक्ति पांडे जी को 24 के लिए तैयार किया जा रहा है कि 25 के लिए? देखिए ये हम कैसे कह सकते हैं, शक्ति जी जो हैं चिराग पासवान के इसी स्लोगन से, इसी विचारधारा से हमको लगता है प्रभावित हैं। देखिए जब लड़का 18 बरस से ऊपर हो जाता है ना, तो कानून भी कहता है कि भाई अपने आप अपना विचार वो रख सकता है, अब हम उसको दबा कर नहीं रख सकते हैं, तो वो चिराग पासवान के इस विचारधारा से वो प्रभावित है। एक सवाल तो ये निकल के आता है, पूरे बिहार में एक आप ही का परिवार है जो थोड़ी सी विचारधारा जो है भिन्नता पाई जाती है, और कोई कहीं से भी चुनाव लड़ता है कि जनता कंफ्यूज है, थोड़ा सा जनता को समझा दीजिए। सर जनता सर देखिए देखिए पूरी इतनी खुशी की बात है ना, ये सब परिवार में होनी चाहिए, जनता इससे खुश है। आप कैसे कह रहे हैं कि जनता इतना खुश है, आज हम तो गए नहीं थे, हम सुने लगभग 110-115 गाड़ियां गई थी, और इतनी भीड़ थी वहाँ पर, लगभग 700 से 800 लोग वहाँ जुटे थे, और इतना सम्मान शक्ति जी का चिराग जी ने दिया कि उसकी मैंने हम एक बाप होने के नाते हमारा सीना तो चौड़ा है।
एक पार्टी का मेंबर होने के नाते तो नहीं, बात स्पष्ट है, बाप होने के नाते हमारा सीना चौड़ा है कि चिराग जी ने शक्ति बाबू को इतना ज़्यादा सम्मान दिया है, इतना ज़्यादा इज्जत दिया, लोगों ने इतना प्यार दिया उनको, वहाँ इतनी भीड़ थी, हमको लोगों ने बताया ये बात। हम नहीं, हम नहीं गए थे, हम वहाँ क्यों जाएंगे भाई, हम बीजेपी से हैं, वो लोजपा का शपथ ग्रहण थी, क्या नाम है, ज्वाइन किए करने गए थे, तो हम अपने किसी काम से थे। कहा जाता है कि बेटे के उपलब्धि में बाप भी वहाँ सम्मिलित रहते हैं। नहीं, हमको खुशी है, लेकिन दरअसल इसमें पार्टी 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 पॉलिटिक्स है ना, हम पार्टी की तरफ से सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। अभी बेटा का शादी होगा तो क्यों हम ही ना सम्मिलित होंगे, बेटा का शादी होगा तो दहेज कौन लेगा, बहू कौन पसंद करेगा, हम ही ना करेंगे। देखिए, सिवान गोपालगंज की और तमाम बिहार की सारी जनता को हम आग्रह करेंगे कि हकीकत में आप युवा वर्ग को आगे आने की ज़रूरत है। आप पुराने विचारधारा को कब तक घिसते पिसते चलाइएगा, आप उससे बिहार की गरिमा गिरते जा रही है। बिहार मैंने बेरोजगारों की फैक्ट्री बन गई है, यहाँ से सिर्फ मजदूर सप्लायर होते हैं और कुछ नहीं हो पा रहे हैं, ये आपको रोकना पड़ेगा। और इसके लिए यंग जनरेशन को, यंग जनरेशन को, शब्द में कुछ गलती हो तो आप उसको सुधारिएगा, तो यंग जनरेशन के लोगों को आगे आना पड़ेगा। और देखिए, जो चिराग जी का जो विचारधारा है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इसका सबका सबको समर्थन करना चाहिए। ये नहीं कि हम पार्टी पौवा जान करके अलग कर दें, हर पार्टी अच्छी ही काम करती है, कुछ गलत भी काम होती होगी। ये जो काम है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये भारत का सबसे एक नंबर काम है, आप जान जाइए, जो अपने अस्तित्व अपने गरिमा के लिए लड़ रहे हैं। हर युवा वर्ग को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, इसमें आपको भी फायदा है, हमको भी फायदा है, बिहार को भी फायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, प्रणाम।